इंदु ब्रॉडकास्टिंग प्राइवेट लिमिटेड और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज, हर पल हर क्षण हर सच। पनांचा इलाके के ग्रामीण धमतरी कलेक्ट्रेट जन दर्शन में पहुंचे, जहां ग्रामीणों ने पटवारी के मनमानी की शिकायत की। राजस्व मामले के जल्द निराकरण नहीं करने और रिश्वत मांगे जाने से परेशान दुगली गांव के ग्रामीण पटवारी की शिकायत धमतरी कलेक्ट्रेट के जन दर्शन में की। ग्रामीणों की शिकायत पर अपर कलेक्टर ने SDM नगरी को मामले की जांच के निर्देश दिए हैं, साथ ही गांव में राजस्व कैंप लगाकर ग्रामीणों की समस्याओं को जल्द निराकरण करने को भी कहा है। वो क्या है उसके सब बारे में ग्राम के किसान प्लस जाति प्रमाण पत्र बनाना है, नामांतरण करवाना है, तो परेशान करता है, पैसा की मांग करता है, इसलिए हम परेशान थे और हमने जनदर्शन में उसके खिलाफ शिकायत लेके आए हैं। तो हम चाहते हैं कि उस पटवारी का वहाँ से इस्तेमाल किया जाए, दूसरी जगह उसको पदस्थ किया जाए। हम लोग पटवारी पहल का नंबर 16 से उसके बारे में शिकायत लेके आए हैं। हमारा जो पटवारी है मतलब बिना रिश्वत के काम नहीं करता कोई भी, जैसे सरकारी दस्तावेज में काम करवाना है, साइन वगैरह करवाना है, किसानी मतलब खाता लगवाना है, नाम नामांतरण करवाना है, उसमें बिना रिश्वत के कोई काम ही नहीं करता। पटवारी का नाम है किशोर कश्यप। मेरे साथ ये बदतमीजी किया, मैं अपने छोटे बच्चे के लिए जाति प्रमाण पत्र बनवाने के लिए गया था ग्राम पंचायत गोहन नाला में, तो उनको पहुंचाया और उनके पहुंचाने के बाद में साइन करने के लिए रिक्वेस्ट किया, तो वो बोला कि आप 5 दिन के बाद आना। तो मैं उनके बार बार रिक्वेस्ट करने पर वो मेरा जाति प्रमाण पत्र देखा वो, और उसके बाद देखते ही मेरा प्रमाण पत्र जमीन पर फेंक दिया। तो मैं पेपर को उठाया, उसके बाद में उसको कुछ 2-4 शब्द बोल ही रहा था कि मेरे हाथों से वो पेपर को झटक लिया और जब्त कर लिया, और धमकी भरा शब्दों के साथ ये बोला कि आप तहसील कार्यालय कल नगरी पहुँचना। तो मैं नगरी तहसील भी कर ले गया था दूसरे दिन, और उनसे 2-4 शब्द बहस भी हुआ, और हम लोग मैं या चाहूँ या फिर अपने गांव स्तर के लोग, चाहे आम जनता हो, चाहे पंचायत स्तर के लोग हो, सरपंच सचिव, सब लोग उनसे परेशान हैं। जी, डुगली ग्राम के ग्रामवासी आए हुए थे और उन्होंने वहाँ के हल्का पटवारी के द्वारा उचित व्यवहार नहीं किए जाने, काम को लंबा समय तक पेंडिंग रखने संबंधी शिकायत की, मैंने तुरंत ही SDM नगरी से बात किया है और ये निर्देश भी दिया है कि अगर बहुत सारे लोगों का राजस्व कार्य अभी तक लंबित है तो एक अभी जो राजस्व कैंप हल्कावाल लगाए जा रहे हैं तो उसी के तारतम्य में वहाँ पे राजस्व कैंप लगा करके विद्यार्थियों की जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र इत्यादि बनाएँ और कोई भी राजस्व कार्य लंबित ना हो। दूसरा, पटवारी की जो शिकायत की है उसका भी जांच करके प्रतिवेदन प्रस्तुत।